याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना, यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। आने से पहले दिखता जो जाते समय वही है आता, यहाँ सूक्ष्म से जीवन देता वही सूक्ष्म में ले जाता है, यहाँ सूक्ष्म से जीवन देता वहाँ सूक्ष्म में ले जाता है। काल नए जीवन का दाता समझ सको तो क्यों घबराना, काल नए जीवन का दाता समझ सको तो क्यों घबराना। और शरणागत का भाव रखो यदि याद मुझे तुम तब करना। प्रभु जी, ये जो छोटी छोटी सी चार चार लाइन की जो पंक्तियां हैं ना, जो मेरा जीवन दर्शन है, मेरी जीवन यात्रा का जो अनुभव है, उसमें पूरा 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 अध्याय छिपा है। प्रभु जी, जीव अपने शेष कर्मों को पूरा करने के लिए जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो जब वो जाता है ना, तो हमारे पूर्वज, हमारे वो सब हमारा स्वागत करने को तैयार रहते हैं। मैंने बताया था, एक सुरंग की तरह एक द्वार होता है, तैयार रहते हैं। अगर हमारे सत्कर्म होते हैं तो हम उनसे ऊपर के लोक में जाते हैं, नहीं होते हैं तो हम नीचे के लोक में जाते हैं, फिर हमें वापस आना होता है। तो वो जो हमारे पूर्वज, जो हमारे सद्गुरु सब हमारा इंतजार करते हैं, और हम उस समय देख लेते हैं कि हमारी क्या गति है, हमारी क्या स्थिति है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पता चल जाता है। जब हम नीचे जा रहे होते हैं तो हमारे पूर्वज ऊपर खड़े होते हैं, नीचे दूसरे तरह के लोग, भयावह लोग खड़े होते हैं जो हमें लेने को तैयार होते हैं, और हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमने कहा था ऐसा करना, ऐसा मत करना, लेकिन जीव मुक्त होता है कुछ भी करने के लिए, अब जो किया है उसको भोगो। पीछे से हमें सद्गुरु की छवि भी दिखाई देती है, वो भी यही कहते हैं कि तुमने मुझे सद्गुरु के रूप में धारण किया लेकिन मेरी शिक्षा को नहीं माना, अपने आचरण में नहीं उतारा, और मेरे बाद तुम स्वतंत्र हो गए। सब पीछे खड़े होते हैं और हम उस समय, हमारी जो स्थिति होती है प्रभु जी, भयावह स्थिति होती है, और हम वहीं चले जाते हैं। और जब हम सत्कर्म करते हैं तब हमारे पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब ये हमसे ऊपर जा रहे हैं और सद्गुरुदेव इनको लेने आए हैं, वो गुरुदेव हमारा स्वागत करते हैं कि आओ, तुमने मेरी शिक्षा का पालन किया, तुमने मेरे आचरण को अपने जीवन में उतारा, तुमने लोक कल्याण की भावना से जीवन जिया, आओ अब तुम मेरे साथ चलो, और वो तुम्हें ऊपर के लोक में ले जाते हैं। और उसके बाद जब हम अपना गर्व तय करते हैं, गर्व में जाते हैं, तब वही शक्तियां फिर आती हैं, वही आती हैं और कहती हैं, देखो अभी तक तुमने जो किया किया, अब तुम्हें दोबारा गर्व तुमने चुना है, अब तुम अपना लेन देन पूरा करना और अपने को ऐसा बनाना, तुम मुक्त होगे फिर करने के लिए बाहर जाने के बाद गर्व से, तो तुम ऊपर के लोक में यात्रा करो, ऐसा अपने आप को बना लेना, शरणागत हो जाना, सब में मुझे देखना। और वो आते हैं और वो सूक्ष्म आपके चारों तरफ आ जाता है, जैसे ही गर्भ से हम बाहर निकलते हैं वो सूक्ष्म शरीर हमारे चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, ऑरा की लेयर बन जाती है, और ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उससे हमारा फिर हमारा जीवन संचालित होता है। और जब जाते हैं तो वही फिर हमारे सामने आ जाता है कि देखो तुम्हें भेजा था, तुमने बहुत अच्छा किया है, अब तुम हमारे साथ चलो गाजे बाजे के साथ ऊपर के लोक में, और नहीं तो कहते हैं तुमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, चलो। प्रभु जी, संसार में भी ऐसा होता है, जब हम कहते हैं कि भय मुक्त हो जाओ, मृत्यु का भय मत रखो, उसका दुरुपयोग भी होता है, सदुपयोग भी होता है।
और मैं आपको अपने आसपास के उदाहरण इसलिए देता हूँ प्रभु जी कि उससे आपको क्लैरिटी आ जाए, आपके संशय खत्म हो जाए, आपके द्वंद खत्म हो जाए। और हम तो चाहते हैं कि जो 21 का जो ये संधि काल है इसमें आप मजबूत हो जाए, अपने आप को शरणागत ईश्वर के प्रति हर कर्म ईश्वर को समर्पित कर दें और आने वाले दशक में, आने वाले दशक के बाद जो यहाँ नव निर्माण होगा बहुत अच्छा समय होगा, आप उसके साक्षी बने, ये मेरी कामना है, ये मेरी प्रार्थना है श्री बाबा जी से। इसलिए मैं ऐसे उदाहरण आपको देता हूँ कि आपको क्लैरिटी आ जाए। जेल जीवन में क्या होता है प्रभु जी, हम जब कोई अपराध करते हैं ना, हम एक व्यवस्था में जीते हैं, उस व्यवस्था का जब हम उल्लंघन करते हैं तो हमें अपराध करते हैं तो हमें सजा का प्रावधान है, और जब जेल जाते हैं तो जेलर आपको अच्छी नज़रों से नहीं देखता है। वैसे ही जैसे जीव जाता है, कहता है तुम एक अच्छे नागरिक थे, तुम्हें कुछ कार्य करना था, तुमने समाज के नियमों का उल्लंघन किया, तुम्हें सजा मिलेगी, चलो, और उसको ले जाके बैरक में बंद कर देता है। और उस बैरक में अपराधी ही होते हैं, वो अपराधी तो खुश होते हैं कि ये भी मेरी तरह आ गया, क्योंकि मैंने जो अपराध किए तो मैं आया, ये भी करके मेरी तरफ आ गया। अच्छा अच्छा नागरिक होता, अच्छा कुछ किया होता तो यहां नहीं आता, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं उनसे, और थोड़े समय बाद हमें प्रायश्चित करते हैं, हम गिल्ट फील करने लगते हैं। और लेकिन जब आप जेल में जाते हैं उस समय आपके परिजन, आपके परिवार के लोग, आपने इष्ट मित्र, शुभचिंतक, प्रेमी सब बहुत दुखी होते हैं कि जो भी हो, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारा मित्र है, देखो इसने गलत किया और अब ये जा रहा है। वैसे ही जैसे हम जब इस शरीर को छोड़ के जब हम जाते हैं, जीवात्मा जाती है ना, तो सभी लोग कितने कष्ट में होते हैं, चाहे हम अच्छे व्यक्ति हों चाहे बुरे व्यक्ति हों, समाज के लिए हमारे जो शत्रु भाव रखते हैं वो भी आते हैं, जो जीवन में हमसे मिलते नहीं वो भी आते हैं, अंतिम समय में सबको बहुत दुख होता है। और जेल के अंदर जब सजा पूरी करने के बाद आप बाहर निकलते हैं ना, तो वही सारे आपके मित्र जेल के बंदी, दरवाजे तक आपका उनसे मित्रता हो जाती है ना, तो फिर वो आपके साथ आते हैं, वो जानते हैं कि अब ये जा रहा है, इसको नया जीवन मिल रहा है। आप जैसे गर्व से बाहर आते हैं वही स्थिति होती है, वो बाहर नहीं आ सकते, वो सबको नहीं दिखाई दे सकते। जेल के गेट के बाहर जब आप आओगे तो आपको अपने लोग दिखाई देंगे जो बहुत खुश हो रहे होंगे कि अब ये बाहर आ रहा है, हमारा भाई, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा मित्र, हमारा शुभचिंतक, जो भी है सब बहुत खुश होते हैं, जैसे हमारा जन्म होता है। लेकिन वो जेल के अंदर जो होते हैं ना, जिस लोक से आप आए होते हैं वो एक सीमा तक आपके साथ होते हैं, वो भी जानते हैं अब ये जा रहा है, खुले में सांस लेगा, अच्छा अच्छा कुछ अब करेगा, अब प्रायश्चित करेगा, नया जीवन जिएगा। और जब वो जेलर के कमरे में आता है तो जेलर भी उसको नसीहत देता है, जेलर भी उसको अच्छी नज़रों से देखता है कि देखो तुमने जो भी गलत कार्य किया तुमने उसकी सजा काट ली, अब जाओ, अब अच्छे नागरिक की तरह रहना, देखो बाहर तुम्हारा लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब तुम सामाजिक नियमों में रहना, अब उनका उल्लंघन मत करना, कोई गलत काम नहीं करना, जाओ। जाते समय भी वही जेलर था, आते समय भी वही जेलर है, अब उसका भाव बदल गया प्रभु जी, क्योंकि वो जानता है कि सजा पूरी करके अब ये जा रहा है, अब कुछ अच्छा कार्य करेगा अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, समाज के लिए, भाव उसका यही होता है। और जैसे ही बाहर आते हैं हमारे सब परिजन उत्सव मनाते हैं, खुश होते हैं, जो हुआ से हुआ आया है, जैसे हमारे जन्म पे खुश होते हैं। लेकिन ये जीव है, माया में फंसा रहता है, विकारों से युक्त होता है, और अंदर जाने के बाद कुछ ऐसे जीव भी होते हैं ना जो जाने के बाद भयमुक्त हो जाते हैं, अरे जेल में आए तो क्या हुआ, यहाँ तो और अच्छा है, यहाँ भी अपने साथी मिल गए, अपने जैसे लोग मिल गए, जैसी चाहे बातें करें, जो भी करें, और उनके विकार वहाँ पे जागृत हो जाते हैं, सुधरने की जगह और मुक्त हो जाते हैं कि अरे ये सब लोग तो हमसे पहले से आए हैं, इन्होंने तो हमसे बड़े बड़े अपराध किए हैं और फिर भी देखो कितने आनंद में रह रहे हैं, इनको तो सब चीज़ें सुलभ हैं, बड़ा अपराध करके आए हैं ना, बड़ा गुट है, बड़े गुट के लीडर हैं, हम भी किसी गुट में शामिल हो गए, यहाँ तो आनंद ही आनंद है, भय मुक्त हो जाता है।
बाहर आने के बाद फिर विकारों में ग्रस्त हो जाता है, उसका भय खत्म हो जाता है, उसे लगता क्या होगा अपराध करने पर। वही जेल में जाएंगे, वही लोग मिलेंगे, अपने लोग मिलेंगे, वहां भी आनंद है, यहां भी आनंद है, और वो प्रभु जी गलत कार्य करता जाता है, फिर पकड़ा जाता है एक समय, फिर वही अंदर जाता है, फिर जेलर उसको दूसरी तरह से देखता है, दोबारा आ गए, अब उससे और कड़ाई से पेश आता है। बड़ा अपराध किया तो उसको बैरक में, उसको अकेले कोठरी में भी बंद कर दिया जाता है, सख्ती की जाती है उसके साथ। यही इस संसार का और उस संसार का विधान है कि हमारे पूर्वज, हमारे जो भी हैं, सब हमें गर्भ में नसीहत देते हैं कि देखो अब तुम जा रहे हो इस समाज का निर्माण करना, जहां तुम जन्म ले रहे हो वहां के नियमों का पालन करना और आनंद में रहना। और सदगुरु भी कहते हैं कि तुम नीचे लोक में गए हो लेकिन तुम्हें आना तो ऊपर था, अब तुम जाओ, अब तुम आना दोबारा, ऐसे सत्कर्म करके आओ, ऐसी FD क्रिएट करके आओ कि मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। और हम आ जाते हैं, सब लोग उत्सव मनाते हैं, लेकिन हम मुक्त होते हैं ना, हमारे अंदर दैत्य भी है और देव भी है, हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। हम करते हैं, हम कहते हैं हमने किया, और जब ये जाता है ना शरीर, फिर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और फिर वही स्थिति होती है, ये आवागमन का चक्र चलता रहता है। ये मैंने आपको इसलिए उदाहरण दिया कि आपके अंदर क्लैरिटी आ जाए, आप इसके पीछे का भाव समझना। ये बात है प्रभु जी, इसका अगला पार्ट कल आप देखेंगे, अभी इसका एक पार्ट और है और उस पार्ट को आप कल देखेंगे। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना, यदि ऐसा कर पाओ तो। याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना।